वेलकम टू सीएचसी सपोर्ट। आज बहुत दिनों बाद सीएचसी बीएलई भाई लोगों के लिए और एक वीडियो लेके आया हूँ। तो टाइटल देख के तो आप लोग समझ गए ही होंगे, फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ कि आज हम इस वीडियो में जानेंगे सीएचसी से आईटीआर फाइल कैसे भरे। तो आज हम एक दुकानदार का आईटीआर फाइल भर के दिखाएंगे। तो आईटीआर फाइल भरने के लिए सबसे पहले आपको सीएचसी लॉगिन कर लेना है। सीएचसी लॉगिन करने के बाद सर्च बार में आपको TEX टाइप करना है, उसके बाद इंटर प्रेस करना है, फिर आपको टेक्स्ट टू विन का एक ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है, फिर लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट, उसके बाद आपको कस्टमर का पेन नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, फादर नेम डालना है, कस्टमर का फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम। अगर बीएलई खुद करना चाहती हो तो बीएलई सिलेक्ट कीजिए, कस्टमर का करवाना चाहती हो तो यूजर सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद इनकम टैक्स का पासवर्ड है तो डालिए, अगर नहीं है तो ब्लैंक छोड़िए, उसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर, फिर कस्टमर का ईमेल आईडी, पिन कोड और एड्रेस, उसके बाद आपको नीचे आना है, बीएलई का नेम डालना है, बीएलई का मोबाइल नंबर और बीएलई का ईमेल आईडी, उसके बाद कस्टमर का आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट, अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है, अगर सेविंग है तो सेविंग या करंट या कोई अदर है तो अदर, मेन बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है, उसके बाद और अगर बैंक ऐड करना चाहती हो तो ऐड मोर बैंक पे क्लिक करना है, उसके बाद आईएफएससी कोड डालना है, अकाउंट नंबर डालना है और अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है, उसके बाद नीचे आना है, आप अगर सैलरीड पर्सन है सैलरीड इनकम पे यस कीजिए, अन्यथा नो पे क्लिक कीजिए, आपका अदर इनकम है तो यस कीजिए और कितना है वो डालिए, अगर नहीं है तो नो डालिए, उसके बाद कैपिटल गेन है तो यस, अन्यथा नो, अगर यस है तो बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है, उसके बाद आपको बिजनेस इनकम पे यस करना है, उसके बाद बिजनेस का नाम डालना है, बिजनेस का टर्नओवर कितना ही वो डालना है, उसके बाद प्रॉफिट कितना होता है ईयरली, उसके बाद एग्रीकल्चर का कोई इनकम है तो डालिए, अन्यथा ब्लैंक छोड़िए, उसके बाद आपका बिजनेस इनकम टर्नओवर कितना होता है साल में, अगर 20 लाख से नीचे है तो इस पर क्लिक कीजिए, अगर 20 लाख का ऊपर है तो इस पर क्लिक कीजिए, अगर आप नहीं जानते हो तो नो पे क्लिक कीजिए, उसके बाद अब आपका एनुअल इनकम कितना होता है, 2.5 लाख से ऊपर होता है या नीचे, ये आपको नहीं पता है तो नॉट श्योर पे क्लिक कीजिए, और आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है पीएनजी, जीपीजी या पीडीएफ पे, पैन कार्ड या एलआईसी या फॉर्म 60, ये मैंडेटरी नहीं है, अगर और ऐड करना चाहती हो तो ऐड मोर पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको ईयर सिलेक्ट करना है, आप कौन सा ईयर का भरना चाहती हो, अगर 21-22 सिलेक्ट करती हो तो आपको 1000 का पेनल्टी भरना होगा, साल का भरना चाहती हो तो 22-23 सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए, फिर सबमिट पे क्लिक कीजिए, अभी सबमिट हो गया, उसके बाद सीएचसी का पासवर्ड डालना है और इंटर प्रेस करना है, उसके बाद पिन डाल के फिर इंटर प्रेस करना है। अभी हमारा पेमेंट सक्सेस हो गया, तो अभी ऑथेंटिकेशन करना है, उसके लिए आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, आईटीडी रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर ऑन आईटीडी पे क्लिक कीजिए, डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल होके आएगा, उसके बाद नीचे आना है आपको, फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, इधर एरिया डालना है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस डालना है, फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपका मोबाइल और ईमेल पे एक एक ओटीपी जाएगा, उसको डालना है और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है, आईटीडी में आपका अकाउंट रजिस्टर हो गया, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है, अभी फिर से सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, उससे पहले पिन रिसीप को डाउनलोड कर लीजिए, फिर सेंड ओटीपी, तो अभी 26AS को इंपोर्ट करना है, उसके लिए आपका आधार रजिस्टर मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, आपका आधार और पैन कार्ड लिंक है तो, मेरा लिंक है ऑलरेडी लेकिन फिर भी ये लिंक नहीं है बोल रहा है, तो
तो दोबारा एक बार रिसेंड कर लेता हूँ, फिर भी सेम प्रॉब्लम दिख रहा है। तो अभी सेंस ऑथेंटिकेशन मेथड पे क्लिक करना है। पहले हम आधार से किया था, अभी आईटीडी से करेंगे। तो आईटीडी को सिलेक्ट करना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद एक मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा और ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, उसको डालना है। दोनों ओटीपी को डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। देखिए हमारा 2026 ASB इंपोर्ट हो गया। तो अभी फिर से प्रोसीड पे क्लिक करना है। अभी हम ITR को भर लिया, तो अभी प्रिंट रिसीप्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद एक घंटा या दो घंटे के बाद दोबारा CHC को लॉगिन कर लेना है। आपको दोबारा टेक्स्ट टू सर्च करना है। उसके बाद तो दोबारा हमें टेक्स्ट टू विन पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ऑल ITRs पे क्लिक करना है। तो अभी देखिए बैलेंस शीट जनरेट हो गया है। तो अगर आपको जनरेट नहीं हुआ तो कुछ टाइम वेट कीजिए, उसके बाद दोबारा चेक कीजिए। तो मेरा बैलेंस शीट, तो आपका जब बैलेंस शीट आ जाएगा उसके बाद जनरेट नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आना है और अभी आपको अमाउंट भरना है। तो इसके लिए आपको देखिए, तो अभी देखिए जो रिमेनिंग बैलेंस है इसको आपको जीरो कर लेना है। इधर ऑलरेडी जीरो है, तो अभी ओपनिंग स्टॉक पे आपको जीरो रखना है। अब अगर आप पहली बार कर रही हो, अभी देखिए सेल्स अमाउंट है आपको सेल का, तो आपको परचेस आपने कितने किया, मान लो 2 लाख किया, 2 लाख प्रोडक्ट खरीदा था। तो अगर आपका शॉप में कोई बंदा काम करते हैं उसको अगर सैलरी देते हो तो कितना सैलरी देते हो वो डालिए। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल डालिए। उसके बाद अगर शॉप रेंट पे है तो रेंट डालिए। उसके बाद टेलीफोन या इंटरनेट का बिल डालिए। उसके बाद प्रिंटिंग का कोई खर्चा है तो उसको डालिए, कोई रिपेयर या मेंटेनेंस है तो उसको डालिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर लोन पे पैसा लिया हो तो उसको डालिए। तो अदर कुछ डालिए। तो अभी देखिए रिमेनिंग जीरो हो रहा है। तो आपको नीचे आना है, बॉक्स पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा नीचे आना है। अभी देखिए रिमेनिंग बैलेंस फिर से आपको जीरो करना है। ऐसे डालना है, आपका आपका फर्नीचर या व्हीकल या कंप्यूटर है तो उसको डालिए। अदर कोई एसेट है तो उसको भी डाल सकती हो। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट कहीं पर है तो उसको डालिए। उसके बाद बैंक बैलेंस में कितना पैसा है वो डालिए। उसके बाद करंट एसेट है तो डालिए, अन्यथा जीरो कीजिए। उसके बाद आपको देखना है टोटल, अदर पे आपको जीरो जीरो रख देना है। अगर इसको देखिए अभी टोटल को जीरो कर देना है, तो टोटल को इसको भर लेते हैं। उसके बाद देखिए अभी जीरो हो गया, बॉक्स को टिक करना है और दोबारा प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो अभी हमारा बैलेंस शीट तैयार हो गया, उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो अभी हमारा फाइल भी डाउनलोड हो गया। तो इसको कस्टमर को पिन करके देना है, ये 3 पेज का PDF है। अगर चाहे तो आप बैलेंस शीट को एडिट भी कर सकती हो। उसके बाद अभी हमारा मेन काम है ITR में जाके आपको ई वेरीफाई करना है। तो ITR में जाने के लिए ई फाइलिंग टाइप कीजिए। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे क्लिक कीजिए। तो अभी आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो आपका अगर अकाउंट नेकी है तो रजिस्टर पे क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ID है। तो आपका ID डालना है, ID आपका है पैन कार्ड नंबर। उसके बाद कंटिन्यू करना है। उसके बाद बॉक्स पे क्लिक करना है और पासवर्ड डालना है। अगर आपका पासवर्ड भूल गया हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकती हो। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये लॉगिन हो गया। तो अभी ई फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद
इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बाद व्यू फ्रॉम 26AS, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए एक कुछ अलर्ट दिया है, तो इसको क्लोज कर लेना है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको व्यू टैक्स क्रेडिट इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ईयर सिलेक्ट करना है, आपको जो भी जिस भी ईयर का आपको टीडीएस देखना है। उसके बाद एचटीएमएल पे सिलेक्ट करना है और व्यू या डाउनलोड पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट एस पीडीएफ पे क्लिक करना है। अभी पीडीएफ हो गया, उसके बाद दोबारा हमें एक और काम करना है। और एक काम करना है, फाइल रिवर्स रिटर्न पे क्लिक करना है। इधर असेसमेंट ईयर पे सिलेक्ट करना है 2023-24, उसके बाद ऑनलाइन, फिर कंटिन्यू। तो अभी हमने कोई भी ड्राफ्ट नहीं सेव किया, दोबारा ई फाइल पे जाना है। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न, फिर डाउनलोड प्री फाइल डाटा, असेसमेंट ईयर पे क्लिक करना है, उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करना है। अभी ये डाउनलोड हो गया, दोबारा ई फाइल पे क्लिक करना है इनकम टैक्स रिटर्न। उसके बाद आपको ई वेरीफाई रिटर्न पे क्लिक करना है और हमारा यही मेन काम है टीडीएस रिटर्न पाने के लिए। तो ई वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। उसके बाद इधर 7 ऑप्शन है, आप कोई भी ऑप्शन से आप ई वेरीफाई करवा सकती हो। तो अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से रजिस्टर है तो पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक कर सकती हो। अगर पैन कार्ड आपके आधार कार्ड पे लिंक है तो मेरा लिंक नहीं है तो मैं कोई और मेथड से कर लेता हूँ। तो नीचे आना है, मैं बैंक अकाउंट से कर लेता हूँ, यहाँ पर नेट बैंकिंग से कर सकती हो तो मैं बैंक अकाउंट से कर लेता हूँ। तो बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपका अकाउंट पे जो रजिस्टर नंबर है उसमें एक ईबीएस कोड जाएगा, उस कोड को इधर डालना है। अगर आपको कोड नहीं गया तो रिसेंट ईबीएस पे क्लिक कीजिए, कोड डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। देखिए हमारा रिटर्न ई वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। तो अभी डाउनलोड रिसीव पे क्लिक करना है और डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट में क्लिक करना है और ये दोनों को भी कस्टमर को दे देना है। उसके बाद डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिए, फिर ई फाइल पे क्लिक कीजिए। तो अभी देखिए हमारा दो रिटर्न भी वेरीफाइड हो गया। दोबारा ई फाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बाद व्यू फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है। उसके बाद इन तीनों रिसिप्ट को डाउनलोड करना है और कस्टमर को दे देना है। तो यही तक आपका ITR का फुल प्रोसेस है। ये अगर कर दिया तो आपका 100% TDS आपका अकाउंट में आ जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही तक था। तो बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।